सबको हंसाने वाले कपिल शर्मा देश के चहेते कॉमेडियन हैं। कपिल शर्मा जो बीते दिनों से कुछ अच्छे वक्त से नहीं गुजर रहे, एक ऐसे हंसमुख बेटे हैं जिसने दुआ में मांगी थी अपने पिता की मौत। जी हाँ, क्या थे वो हालात और क्या थे वो कारण, ये कहानी फ्लैशबैक से। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। कॉमेडी के बेताज बादशाह कपिल शर्मा ने अमृतसर में जितेंद्र कुमार पुंज के घर में 1981 में जन्म लिया। पिता पुलिस वाले थे, इसलिए पिता के पुलिस वाले रॉब से वो थोड़ा सा सहमे रहते थे। माँ के साथ कपिल दिल खोलकर बात किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कपिल और उनके पिता के बीच की दूरियां भी बरकरार रही। एक दिन कपिल के पिता को पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है। ये जानते ही पूरा परिवार घबरा गया। धीरे धीरे कपिल के पिता की सेहत गिरने लगी, वो बीमार रहने लगे। इसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कपिल के पिता एक ईमानदार पुलिस वाले थे, लेकिन वो बहुत शराब पीते थे। कपिल के घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए पिता के इलाज के लिए पैसों की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर भी किसी तरह परिवार ने कोशिश करके हिम्मत जुटा के पिता को एम्स में भर्ती करवाया। वहां पर उनका इलाज शुरू हुआ। इसी बीच कपिल और उनके पिता के बीच की दूरियां घटने लगी थी। जी हाँ, सालों बाद कपिल और उनके पिता के बीच की दूरियां घटी। वहीं कपिल के पिता की तबीयत में और गिरावट आने लगी थी बढ़ते दिनों के साथ। इस दौरान कपिल के पिता को कैंसर का दर्द झेलना मुश्किल हो गया था। कपिल अपने पिता का ये दर्द देख ही नहीं पा रहे थे। तभी गुस्से में कपिल ने अपने पिता से कहा, पापा आप शराब बहुत पीते हैं, आपने अपने सिवाय किसी और के बारे में नहीं सोचा, इसी वजह से आपको कैंसर हो गया। कपिल ने अपने पापा के सामने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन ये कहने के बाद कपिल पापा के आगे शर्मिंदा हो गए। इस बीच कपिल के पिता की हालत और भी गंभीर होने लगी। कपिल जानते थे कि उनके पिता ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर भी कपिल उम्मीद भरी नजरों से डॉक्टर के पास जाकर पूछा करते थे कि मेरे पापा ठीक हो जाएंगे ना डॉक्टर। कपिल से उनके पिता की हालत देखी नहीं जा रही थी। कैंसर पिता को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। कपिल रोज रोज अपने पिता को यूं तड़पता हुआ देख खुद परेशान रहने लगे थे, वो ऐसा देख ही नहीं पा रहे थे। इस दौरान कपिल ने ईश्वर से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हे ईश्वर, मेरे पापा को जल्दी उठा लो। जी हाँ, कपिल को मजबूरी में अपने पिता के दर्द को देखते हुए कहना पड़ा कि मेरे पापा को जल्दी उठा लो। कपिल ने कहा कि पिता की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। पिता के जाने के बाद कपिल के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद कपिल के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। धीरे धीरे कपिल ने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी। आज कपिल टीवी इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन चुके हैं। कॉमेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं कपिल शर्मा। हालांकि बीता कुछ वक्त देखा जाए तो कपिल के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन फैंस को अभी भी उम्मीद है कि कपिल फिर से अपने उसी ह्यूमर के साथ, फिर से अपने उसी दमदार परफॉर्मेंस के साथ हर घर में छा जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि कपिल जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, उस परेशानी से कपिल को निकलने में हिम्मत मिले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए, ऐसे ही अनोखे किस्सों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।